हाय फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ सूरत में और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही बढ़िया रोड के किनारे इन्होंने सेटअप लगा रखा है झील भाई ने। आइए इनके पास चलते और पूछते हैं कि यहाँ पर ये क्या बनाकर बेचते हैं। हेलो भाई, कैसे हो? बढ़िया बस। तो भाई, ये सब शुरुआत कब से हुआ है? कितना टाइम हुआ आपको ये सब शुरू किए हुए? मैंने दिवाली से स्टार्ट किया, 4 महीना हुआ है। 4 महीना हुआ है तो आपने पढ़ाई किया है? कितना किया है? 12। तो मतलब वो खत्म हुआ उसके बाद सीधा शुरू हुआ या कोई जॉब? अभी मैं जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, अभी भी जॉब कर रहे हैं? अच्छा, ये बताइए यहाँ पे क्या क्या बना के बेचते हैं? कुल्हड़ पिज्ज़ा। कुल्हड़ पिज्ज़ा, कितनी वैरायटी है उसमें? उसमें 3 वैरायटी है। जैसे कि ब्रेड वाला है, पनीर वाला है, वेजिस वाला है। तो फिर एक लगाइए हमारे लिए बढ़िया वाला। तो कौन सा लगाने जा रहे हैं आप? ये पनीर वाला बना। अच्छा, पनीर वाला। जॉब कहाँ करते हैं आप, मतलब कौन सी जॉब करते हैं आप? मार्केटिंग करते। तो ये सब किचन का काम कैसे सीखा आपने? ये आ गया, मतलब इंटरेस्ट था इन सब कामों का। अच्छा, ठीक है। तो देखिए गाइस, ऑयल डालने के बाद यहाँ पर डाला गया है स्वीट कॉर्न, टमेटो, ग्रीन कैप्सिकम, ऑनियन। यही है ना भाई, और कुछ तो नहीं है? अच्छा, तो कितनी एज होगी आपकी? 24। वो जॉब जो आप करते हो वो कौन से टाइम से कौन से टाइम तक करते हो? सुबह 9 बजे से 3 बजे तक। शाम के 3 बजे तक। फिर ये? फिर ये 5 बजे से 10 बजे। तो टोटल कितने घंटे काम करते हो आप? अच्छा, 10-12 घंटे। सही बात है भाई। देखो आजकल ये क्या डाल रहे हैं आजकल, ऐसे भी ना भाई लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो गया है लोगों को, है कि नहीं भाई? तो कुछ ना कुछ डबल करना पड़ता है। ये क्या चीज है? कौन सा? पिज्जा मसाला। अच्छा, पिज्जा मसाला है। तो गाइस देखिए, झील भाई यहाँ खाली 24 साल के हैं। 24 साल के बच्चे आजकल कॉलेज में होते हैं, वो ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं और उसके बाद वो जॉब ढूंढने के लिए निकलते हैं। लेकिन झील भाई यहाँ मात्र 12th करने के बाद जॉब भी ले चुके हैं, जॉब भी कर रहे हैं, प्लस अपना साइड बिजनेस भी कर रहे हैं यहाँ पर। ये क्या है? अच्छा, ओरिगानो। ये वीडियो में आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि ये चिली फ्लेक्स, क्योंकि इसके बाद जो होने वाला है ना, वो आपने भी नहीं सोचा होगा ना मैंने सोचा था। ऐसा दिमाग इन्होंने लगाया, ऐसा इंडियन जुगाड़ लगाया है जो आप भी सोचो, देखोगे ना तो आप भी सोचते हो जाओगे क्या बात है भाई। तो ये देखिए, इसके बाद पनीर के पीसेस ऐड किए जा रहे हैं। कौन सा पनीर है? मलाई पनीर। अच्छा, तो झील भाई, जब आपने ये शुरू किया तो आपने मतलब ये नहीं सोचा मेरे दोस्त या फिर कोई रिश्तेदार लोग मतलब कहेंगे ना भाई बंदा पढ़ रहा था, जॉब कर रहा, फिर सड़क किनारे कैसे ये सब कर रहा है, आपने नहीं सोचा? नहीं, ऐसा कुछ सोचा नहीं, मेरा दिमाग आया, मैंने लगा दिया। और किसी ने कुछ कहा नहीं फिर? नहीं, किसी ने कुछ। अच्छा, तो आपके काम से आपकी फैमिली भी खुश है? मेरी फैमिली मेरे साथ आती है। अरे क्या बात है भाई। तो ये क्या चीज डाल रहे हैं अभी? मायोनीज। और ये बनाना कैसे सीखा आपने भाई? मैंने YouTube से सीखा। अच्छा, अरे वाओ, तंदूरी। ये तंदूरी मायो। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, जो कुल्हड़ पिज्जा ये भाई बनाते हैं उसमें आप ये सोच रहे हो कि बिना बेस के कुल्हड़ पिज्जा कैसे बनता है, तो भाई इसके अंदर ब्रेड भी आते हैं ना? ब्रेड नहीं। अच्छा, ब्रेड वाला भी है, ब्रेड वाला भी। अच्छा, तो ये विदाउट ब्रेड है? Without. अच्छा, ये क्या डाल रहे हैं? केचप। मतलब पिज्जा के अंदर जो सारी चीजें आती है वो सब कुछ रहेगा? अच्छा, गाइस बने रहेगा आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको यहाँ का लोकेशन बताऊंगा। और भाई से पूछते हैं, भाई कितने बजे एग्जैक्ट चालू कर लेते हो यहाँ पे? शाम को 5 बजे। और कितने बजे तक? 10 बजे, रात के 10 बजे तक। ये लिक्विड चीज़ है। और ये आपके पापा है क्या साथ में? अच्छा अच्छा, मतलब पापा पूरा सपोर्ट करते हैं। अच्छा जी, और ये प्रोसेस चीज।
मोज़रेला दाने वाला, राइट। तो इसके बाद आपकी क्या प्लानिंग है, जो ये आप कर रहे हो, ये कर रहे हो, इसके बाद कुछ प्लानिंग रखा है आपने, सोचा है? मतलब कैसे, कुछ बड़ा प्लानिंग किस तरीके से? कैफे और रेस्टोरेंट टाइप। अच्छा, मतलब ये जो कर रहे हैं ये बहुत बढ़िया से एक बार सेट कर ले अच्छे से, उसके बाद कुछ बड़ा करने का सोचा है? तो ये सब्जी रेडी हो गई भाई? मतलब ये जो पिज्जा का क्या बोलते हैं इसको, मसाला रेडी हो गया? तो ये दो साइज है, जैसे कि एक ये कौन सी साइज है जो अभी दिखा रहे हो, ये लार्ज है और ये स्मॉल है, तो अभी हम लोग लार्ज में लगा रहे हैं। तो ये कौन सा लगा रहे हो आप, कौन सा लगा रहे हो, मतलब पिज्जा कौन सी वेराइटी का है? पनीर कुल्लड़। पनीर कुल्लड़ पिज्जा। तो गाइस देखिए, यहाँ पर पनीर कुल्लड़ पिज्जा का जो मसाला है यहाँ रेडी करने के बाद इस कुल्लड़ के अंदर ऐड किया जा रहा है, और इसी की वजह से इसको भाई ने कुल्लड़ नाम भी दिया है। अब उसके अंदर सब कुछ मेल्ट कैसे होगा, चीज़ वगैरह, वो बहुत बड़ा टास्क है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, बने रहिए मेरे साथ। तो मसाले डालने के बाद ये मोज़रेला चीज़ ऐड किया जा रहा है, और उसके ऊपर से वापस से ये जो वेजिटेबल मिक्स रेडी किया था विथ पनीर वो डाला गया है। फुल ऑफ चीज़ ही रहने वाला है। हाँ भाई, हो गया रेडी? अच्छा, ये क्या चीज़ है जो आपने तोप के रखा है, ढक के रखा है, क्या है? गैस तंदूर। गैस तंदूर, वाओ क्या बात है भाई, ओपन करो। हाय हाय, इसके अंदर क्या होगा भाई? अच्छा, बंद कर देंगे, कितना टाइम लगेगा? दो से तीन मिनट। ये ऑलरेडी हम बेक करके ही डालते हैं। हाँ, यहाँ पे तो ऑलरेडी आप 50% मतलब पका लेते हो, और उसके बाद यहाँ पे चीज़ वगैरह मेल्ट होता है और थोड़ा सा जो स्वाद है इस मिट्टी का वो ऐड हो जाता है, राइट। तो ये कैसे सोचा है ऐसा सेटअप लगाएंगे, क्योंकि इसकी जगह पे तो ओवन होता है? ओवन होता है, लेकिन थोड़ा सेटअप में प्रॉब्लम था, यहाँ ओवन और पैसे का थोड़ा प्रॉब्लम था, इसके लिए मैंने गैस पे ही सोचा कि। तो कहीं ना आपने सर्च वर्च करके देखा कि अपना ही दिमाग लगाया? अच्छा, दो से तीन मिनट कंप्लीट हो चुके भाई, और क्या लगता है, हो गया? ठीक है, निकालिए फिर इसे ट्राई किया जाए। अब तो भाई देखिए, यहाँ पे जो इनका अपना देसी वाला ओवन था उसके अंदर से निकालने के बाद इसको ऊपर से फायर किया जा रहा है भाई। अच्छा, हो गया रेडी? रेडी हो गया। तो गाइस यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ना, कुल्लड़ भाई गरम है, लेकिन इसको सर्व कैसे किया जाता है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, पूरा का पूरा बढ़िया सा जुगाड़ किया गया है और कंप्लीट रेडी। और खाएंगे किससे भाई, मजाक कर रहा हूँ। आपको चीज पसंद है तो यहाँ पर आने के बाद वो वाली डिमांड आपकी खत्म हो सकती है, क्योंकि बहुत सारा चीज है इसके अंदर, और ये जो क्वांटिटी है शायद एक पर्सन के लिए इनफ रहने वाला है। आइए एक बाइट लेते हैं। और हमने यहाँ पे ब्रेड वाला नहीं ट्राई किया, विदाउट ब्रेड ट्राई किया है, लेकिन जो पिज्जा का एक प्रॉपर टेस्ट आता है, जो उसके अंदर सारे सॉसेस वगैरह रहते हैं, जो वेजिटेबल्स रहते हैं, उसका एक प्रॉपर टेस्ट आ रहा है। आप अगर ये कुल्लड़ पिज्ज़ा खा रहे हो ना, तो आपको प्रॉपर फीलिंग वही आएगी कि भाई हम लोग कुल्लड़ पिज्ज़ा खा रहे हैं। तो भाई ने जो चीज़ बनाई है, नाम दिया है, ऐसा नहीं है, टेस्ट भी है और पिज़्ज़ा वाली फीलिंग भी है इसके अंदर। बस थोड़ा सा सर्व करने का अंदाज नया है। 150 रुपये ये लार्ज साइज का प्राइस है। इनका एड्रेस चलिए मैं इनसे पूछ करके आपको बताता हूँ। और हाँ गाइस, वीडियो देखने के बाद मजा आया हो ना तो शेयर करना, लाइक करना, और कमेंट तो आपका हक बनता है, बेशक दीजिएगा। बताइए भाई क्या एड्रेस है? एड्रेस पाल आरटीओ रोड है, जो फुट ओवर ब्रिज है उसके बराबर बाजू में।
और कौन कौन से साइज में रहेगा ये कुल्लर पिज्जा? कुल्लर पिज्जा में तीन वेराइटी है, पनीर, वेजिस और ब्रेड, और सब में दो साइज अवेलेबल है, स्मॉल और लार्ज। चलिए थैंक यू सो मच भाई।